आज हम लोग बात करेंगे गूगल प्ले की रेपिटेटिव कंटेंट पॉलिसी के ऊपर। हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी और लास्ट ईयर गूगल ने एक नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी थी, रेपिटेटिव कंटेंट पॉलिसी। और वो स्पैम में आती थी कि अगर आपके दो सिमिलर ऐप्स हैं और दोनों के डिज़ाइंस और कंटेंट सिमिलर है, बस नाम ही अलग अलग है, तो आपके ऐप आप को सस्पेंड कर दिया जाएगा क्योंकि वो स्पैम कर रहे हैं प्ले स्टोर को। ठीक है, तो उस टाइम पे ऐसा था कि अगर आपके ऐप के सिमिलर डिज़ाइन है बट अगर कंटेंट अलग अलग हैं तो उसको वो लोग सस्पेंड नहीं करेंगे। बट रिसेंटली मेरे साथ एक केस हुआ है, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। और उस केस में ऐसा था कि मेरे दोनों की डिज़ाइन सेम थी, ठीक है, कलर स्कीम्स अलग अलग थी, इमेज ग्राफिक्स अलग अलग थे, उसका कंटेंट बहुत ही डिफरेंट था, उसको एक कंबाइन नहीं कर सकते थे, कहीं से भी नहीं कर सकते थे, उसका कंटेंट बहुत ही डिफरेंट था। तो बस डिज़ाइन उसकी सिमिलर थी, लेकिन फिर भी जो मैंने जो नया ऐप डाला उस डिज़ाइन के बेसिस पे, उसे एक दो हफ्ते बाद उसको सस्पेंड कर दिया गया, ये कह करके कि वो रेपिटेटिव कंटेंट पॉलिसी के अंदर आता है। सो इस वीडियो में बस मैं यही शॉर्ट अपडेट देना चाह रहा हूँ कि अगर आप लोगों के ऐसे ऐप्स हैं जो सिमिलर हैं, जिनका कॉन्टेंट अलग है, भले डिज़ाइन सिमिलर हैं, तो अगर गूगल ने फाइंड आउट कर लिया तो उसे भी सस्पेंड कर सकते हैं क्योंकि ये रेपिटेटिव पॉलिसी को वायलेट कर रहा है। सो मुझे पहले लगा था कि वो लोग ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि मैंने उसकी लाइव स्ट्रीम अटेंड करी थी, उन्होंने उसमें बताया था कि वो लोग किसी भी ऐप्स को जिसके डिज़ाइन सेम है बट कॉन्टेंट अलग अलग है उसको सस्पेंड नहीं करेंगे, बट ऐसा नहीं है। सो यही मैं अपडेट देना चाहता हूँ एंड आई वांट टू मेक श्योर कि आप लोगों तक ये मैसेज पहुँचे, ताकि अगर मेरे जैसा कोई हो जिसने वो लाइव स्ट्रीम वगैरह देखी हो एंड देन उनको लग रहा हो कि उनका कंटेंट अलग है बट डिज़ाइन सेम है तो उनके ऐप को सस्पेंड नहीं किया जाएगा, तो ऐसा नहीं है। वो लोग धीरे धीरे रिमूव कर रहे हैं और जस्ट बी सेफ, ठीक है, उसमें थोड़े चेंजेस कर दो, उसको और डाइवर्सिफाई कर दो, कलर स्कीम के साथ साथ थोड़ा डिज़ाइन लेआउट्स में भी चेंजेस कर दो। सो इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बताया रेपिटेटिव कंटेंट पॉलिसी के बारे में, आप चाहे तो उसे आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और माय रिकमेंडेशन राइट नाउ इज़ कि अब अगर आप लोग दो सिमिलर ऐप्स बना रहे हैं तो उसकी डिज़ाइंस और लेआउट और कंटेंट सब डिफरेंट करो। सो मैं तो सीख गया हूँ, मैं भी अपने ऐप्स में चेंजेस कर रहा हूँ धीरे धीरे, और जो नहीं कर पा रहा हूँ उनको अनपब्लिश कर रहा हूँ, जिसमें कर रहा हूँ उसमें काफ़ी सारे चेंजेस कर रहा हूँ। सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, अगर आपको कुछ वैल्यू मिली हो तो उसको थम्स अप दे दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एंड कीप लर्निंग।